Hello students, welcome to my channel Physics Basics. In this channel, I will discuss all the topics of physics of class 11 and class 12. In this lecture, I am starting with the first chapter of the class 12th, which is electrostatics. So, what is the meaning of electrostatics? सबसे पहले देखेंगे electrostatic होता क्या है. Electrostatic is the branch of physics which deals with the charges at rest. What is the meaning for this? In this unit, which is a branch of physics, we will deal all the properties of the charges which are in the position of rest. मीन्स कंडीशन क्या है हमारी, चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, उसकी हम सारी तरह की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो नाउ इन दिस केस फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. सबसे पहले हम ये देखेंगे चार्ज होता क्या है. चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कॉजेज इट टू फील अ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इट इज द प्रॉपर्टी property of the material that causes it to feel a force in the presence of external electric field. तो मतलब क्या हुआ कि चार्ज किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करेगा. सपोज हमारे पास कोई ये कोई स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. क्लियर? ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है. अगर हम इस चार्ज क्यू को इस मटेरियल के अंदर ले आते हैं, मतलब इस रीजन के अंदर ले आते हैं, मतलब हम यहाँ ले आते हैं, तो दिस चार्ज विल फील अ फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? सो इट मींस ये फोर्स क्यों फील कर रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज. क्लियर? दिस इज चार्ज बॉडी. नाउ बच्चों, हमने छोटी क्लासेस में ही डिस्कस किया है चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ये कैसे बनते हैं चार्जेस, ये हम अभी देखते हैं. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का ऐसे यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है कूलम. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल सी से. ठीक है? सो चार्जेस को बनाया कैसे जाता है? चार्जेस को बनाने के हमारे पास कई मेथड्स हैं. सो सबसे सिंपल मेथड है हमारे पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट मेथड. नेक्स्ट इज अवर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि बच्चों नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी कब पैदा होगी? जब उन दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होगी. क्लियर? Is the electricity when an object is rubbed with the surface of another body. तो क्या किया हमने? सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर बी. सो नाउ वी विल रब ऑब्जेक्ट नंबर ए ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर बी. तो क्या होगा इन दोनों के बीच में? क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन होगा एंड ड्यू टू फ्रिक्शन
heat will produce. बच्चों हमने प्लस वन में पढ़ा है, अगर हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उनमें क्या पैदा होता है, हीट पैदा होता है। ठीक है, अब एक भी आपने सुनी होगी केमिस्ट्री में आयनाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। क्लियर? सपोज मटीरियल नंबर ए की आयनाइजेशन एनर्जी है आई ई ए एंड इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है आई ई बी। सपोज हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी वैल्यू है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो इनिशियली देयर इज नो हीट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सो जब हमने इनको रब करना स्टार्ट कर दिया तो ए और बी के बीच में हीट पैदा होगा। जो हीट पैदा होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा और बढ़ता जाएगा, हीट है जो वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम फ्रिक्शन करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम इसको रब करते जाएंगे उस हिसाब से ये हीट जो है बढ़ता जाएगा। सपोज ये वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तो हमें पता ही है जब हीट बढ़ रहा है फ्रॉम द जीरो वैल्यू, सबसे पहले यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट एनर्जी पैदा होगी या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट एनर्जी पैदा होगी? पहले कम वाली पैदा होगी। सो जब यहाँ पे हीट एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पैदा हो जाएगी तो साथ के साथ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बी में वो जंप कर जाएगा, क्योंकि बोथ द बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट। हम ए को बी के साथ रब कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेगा और वो कहाँ चला जाएगा? बी में चला जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए से निकला और बी में चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इस तरह एक बॉडी हमारी क्या बन गई? पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी बॉडी हमारी क्या बन गई? नेगेटिवली चार्ज होगी। क्लियर? सो नाउ और फर्दर हम इनको प्रोसेस को करते जा रहे हैं, मतलब इनको रब करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? फिर से हीट पैदा हो जाएगी, फिर देन क्या होगा? एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? देन प्लस टू ई और यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस टू ई। ठीक है बेटा, इस तरह से जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑब्जेक्ट बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज ले लेगा, नेगेटिवली चार्ज। सो इस तरह से हम दो चीजों को, जो पहले न्यूट्रल थी कोई चार्ज नहीं था, उनको हम क्या बना सकते हैं? पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, ये चीजें आप साथ ही साथ अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम सारा सिलेबस प्लस टू का करेंगे और जो भी चीज हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे आप उसके नोट्स बना सकते हैं। एक नोटबुक ले लीजिए और साथ के साथ आप इसको नोट करते जाइए। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। थर्ड प्रॉपर्टी इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, सेकेंड इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। ठीक है बेटा, और फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको पता ही है, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है जी, और
फर्स्ट पॉइंट को देख रहे हैं हम, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस. चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो तीन रीजन बने हुए हैं. जैसे सपोज ये तीन रीजन बना दिए हमने, दिस इज रीजन ए, बी एंड दिस इज रीजन सी. ठीक है, इस ए रीजन पे हमारे पास चार्ज है प्लस 4 कूलम, यहाँ पे चार्ज है प्लस 6 कूलम, यहाँ पे है माइनस 3 कूलम. ठीक है, ए रीजन के ऊपर चार्ज है प्लस 4 कूलम और बी के ऊपर है प्लस 6 कूलम एंड सी के ऊपर है माइनस 3 कूलम. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, मतलब चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मीन्स टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, लेट दिस इज चार्ज क्यू ए एंड दिस इज चार्ज क्यू बी एंड दिस इज चार्ज क्यू सी. सो लेट वी आर सपोजिंग क्यू ए इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पार्ट ए एंड क्यू बी इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पार्ट बी एंड सिमिलरली वी हैव क्यू सी. सो मतलब टोटल चार्ज निकालने के लिए हम तीनों को ऐड कर देंगे, बट वन कंडीशन इज देयर, अगर तो चार्ज पॉजिटिव है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमें उसका नेगेटिव साइन भी कंसिडर करना है ड्यूरिंग एडिशन. मतलब हमारे पास कितना चार्ज हो गया, प्लस 4 कूलम प्लस 6 कूलम माइनस 3 कूलम, मींस दिस इज 7 कूलम. सो अकॉर्डिंग टू एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज वी हैव टोटल मैग्नीट्यूड इज प्लस 7 कूलम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब, so we will discuss what is the meaning for this. Now we will discuss this second part. Charge is समझने के लिए जो हमने अभी frictional electricity का concept explain किया था उसी की help लेते हैं. ठीक है, हमने देखा कि अगर हमने A body को B के साथ rub किया, या तो एक electron जाएगा इधर, या दो electron जाएंगे, या फिर तीन electron जाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि 1.4 इलेक्ट्रॉन चले जाएं या 2.2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं. इसका मतलब चार्ज हमेशा या तो एक जाएगा या दो जाएगा या फिर n जाएगा. मतलब n क्या है, हमारा इंटीजर है. ठीक है बेटा, सो चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज. बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो चार्ज कितना जाएगा, 1e. अगर दो जा रहे हैं तो चार्ज कितना जाएगा, 2e. जिसके अंदर जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज. क्लियर, अगर n चार्जेस n इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो यहां पे चार्ज कितना आएगा, माइनस ne, और यहां पे कितना आएगा, प्लस ne. सो वी विल हैव माइनस ne एंड दिस विल हैव प्लस ne. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, वेयर एन इज इंटीजर एंड ई इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू विच इज 1.6 इंटू 10^-19 माइनस 19 कूलम. क्लियर, सो दिस इज अवर क्वांटाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज चार्ज इज, इसको देखते हैं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग फॉर चार्ज इज कंजर्व्ड. इसका मतलब क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कांस्टेंट. क्लियर, एक लॉ सुना था हमने 10th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सिमिलरली फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ना तो बढ़ाया जा सकता है ना उसको कम किया जा सकता है, एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्लियर, सो फॉर एग्जाम्पल से एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज है 2 कूलम. ठीक है जी, अगर सिस्टम को हम आइसोलेट कर दें, किसी चीज से इसका कॉन्टेक्ट ना हो, तो ना तो कोई चार्ज अंदर जा सकता है ना कोई चार्ज बाहर आ सकता है. क्लियर, मतलब फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ना तो कोई चार्ज अंदर जाएगा, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. इट मींस दैट चार्ज इज कांस्टेंट. ठीक है, टोटल चार्ज उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ओके, सो नाउ
ये चीज हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी थी, कुछ रिएक्शंस की हमने एग्जांपल दी थी लोअर क्लासेस में, प्लेसमेंट में भी हमने किया है, तो उनमें भी चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फिजन प्रोसेस लेते हैं हम यूरेनियम की, ठीक है. यूरेनियम क्या हमारा 92-235, इसके ऊपर किसका अटैक करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा. फ्यूजन का मतलब बेरियम क्रैप्टॉन प्लस 3 न्यू न्यूट्रॉन्स निकलेंगे बाहर. सो दिस इज 56 एंड दिस इज 36 एंड दिस इज 92, दिस इज 141. ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट टोटल चार्ज बिफोर दिस रिएक्शन, रिएक्शन और प्रोसेस कुछ भी बोल सकते हैं हम. सो दिस इज हाउ मच, 0 प्लस 92 दैट इज 92 एंड आफ्टर प्रोसेस द चार्ज इज हाउ मच, 56 प्लस 36, नाउ दिस इज 0, सो वी विल हैव अगेन 92. सो वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट इज we have first numerical. मैं ऐसी कुछ examples ले लेता हूँ, आप उस तरह के numericals अपनी book में से try कर सकते हैं. आप जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, चाहे NCERT पढ़ रहे हैं, चाहे कोई और पब्लिशर की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको सिमिलर टाइप के examples मिल जाएंगे. क्लियर. सो नाउ फर्स्ट example इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 3.2 नैनो कूलम ऑफ चार्ज. में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 3.2 नैनो कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक चार्ज बनाएंगे जिसकी मात्रा कितनी होगी, 3.2 नैनो कूलम. ठीक है, चार्ज कितना दिया हमें, 3.2 नैनो कूलम विच इज 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम. ओके, सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्यू इज इक्वल टू एन ई. सो व्हाट इज एन, एन इज क्यू बाय ई एंड गिवन क्यू इज हाउ मच, 3.2 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय, वी विल यूज हियर द वैल्यू फॉर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹. ओके, सो दिस इज हाउ मच, 1.6 × 10⁻¹⁹ −9 because we have nanocoulomb. Okay, so please correct this one. So this is −19. This is, so now we will cancel this. This is 2 × 10⁻¹⁹. So we will have 2 × 10⁻¹⁹ electrons. मतलब 2 × 10⁻¹⁹ electrons जब मिल जाएंगे तो वो कितना चार्ज बन जाएगा, 3.2 nanocoulomb. Clear? So now we have next example. Can a body possess 2.4 × 10⁻¹⁹ coulomb of charge? बेटा इस तरह के numericals exams में बहुत आते हैं. मतलब हमसे पूछा गया है कि एक body है, क्या उसके ऊपर इतना charge हो सकता है? So we will check. Now given charge is how much? 2.4 × 10⁻¹⁹ −19 कूलम. ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वी हैव क्यू इज इक्वल टू एन ई. सो एन इज व्हाट, क्यू बाय ई. सो गिवन चार्ज इज 2.4 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड व्हाट इज ई, ई इज 1.6 × 10⁻¹⁹. सो दिस विल गेट कैंसल, सो वी हैव 24/16. So we can also cancel and this is 3/2 which means this is 1.5. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी ए होगी और यहाँ पे बॉडी बी होगी, ठीक है, हमने क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में देखा था या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता 1.5 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, या तो वो पूरे का पूरा एक जाएगा या फिर वो
दो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 पार्टिकल चले जाएं, ठीक है। और अगर किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज होना चाहिए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 1.5। क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि यार किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है नहीं हो सकता, तो हमने सिंपली ये कैलकुलेट करके देख लेना है, अगर तो n की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल हो सकता है, अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही जैसे हमारे 1.5 आ रही है तो फिर ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमारे से क्या पूछा गया है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नेगेटिव चार्ज पोजेस्ड बाई देम। मतलब इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे बुक्स में। उन्होंने बोला है एक किसी जगह पे 9 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि उस 9 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ऑल्सो we have to find out the negative charge possessed by them। अगर हम देखें according to quantization of charge, Q किसके बराबर होता है, Q is equal to ne, where n क्या है, number of electrons, and e क्या है हमारा, charge of electron। 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये n की वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो हमारा ज़्यादा फोकस इस न्यूमेरिकल में रहेगा कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट, हम जस्ट n पुट करेंगे, e पुट कर देंगे और हमारे पास चार्ज आ जाएगा, क्लियर। सो देखो हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए वी विल यूज द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे वाटर क्या चीज़ है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन क्या है, दैट इज 1H1 एंड दिस इज 8 ऑक्सीजन 16। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। मतलब एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सिंपली इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। सो यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट वी हैव, ओके, सो नाउ वी नो दैट फॉर द वाटर व्हाट इज द मोलर मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। सो फॉर द 2 एटम्स 2 AMU एंड फॉर द ऑक्सीजन वी हैव 16, मतलब 18 इसका क्या है हमारे पास मोलर मास है, ठीक है। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितने, 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। हमने कितने में फाइंड आउट करने हैं, 9 ग्राम में। सो फॉर 1 ग्राम we have 6.023 × 10⁻²³ / 18। now in 9 gram of water we have 6.023 × 10⁻²³ / 18 × 9, so this is 2, so by simple calculation I can write down 3.011 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और ऑलरेडी हमने लिख रखा है एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सो
number of electrons in 9 gram of water, which is equal to 3.011 into 10 to the power 23 into 10. So which comes out to be 3.011 into 10 to the power 24 electrons. तो बेटा ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 9 ग्राम ऑफ वाटर में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई, हमारे पास n की वैल्यू आ गई। सो हम लिखेंगे अब कैसे, सो ये तो हमारा सॉल्व हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, द नेगेटिव चार्ज पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। According to quantization of charge, we have Q is equal to Ne. So N humara kitna ho gaya? 3.011 into 10 to the power 24. And what is E? E is 1.6 into 10 to the power minus 19. So powers kitni ho jayenge? 10 to the power 5 and 3.01 and 1.6. It is roughly 4.81. So ye humara kya aa gaya? Charge. Clear? So, इस तरह से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल भी एग्जाम्स में काफी आते हैं। तो इसमें क्या दिखा है, ए पीस ऑफ मटेरियल एक्स रब्ड विद अनदर मटेरियल वाई, देन द मटेरियल एक्स अक्वायर्स पॉजिटिव 3.2 इंटू 10 पर माइनस 8 कूलम ऑफ चार्ज। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड ऑल्सो वी विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर। तो इसमें क्या किस तरह का लॉजिक हमने लगाना है, दिस इज मटेरियल एक्स, दिस इज मटेरियल वाई, हमने दोनों को रब किया जैसे हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में देखा था। तो हमने देखा रब करने से इस मटेरियल के ऊपर कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज। तो इतना तो अब क्लियर है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहां से जहां गए होंगे, कितने गए होंगे, सपोज n इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली इसके ऊपर कितना आएगा, सिमिलरली सेम नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। तो हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, मतलब x मटेरियल के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन y में ट्रांसफर हो गए। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वी नो दैट q इज इक्वल टू ne एंड n इज वॉट, क्यों भाई, चार्ज कितना दिया हमारे, हमें 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड व्हाट इज ई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो एन हमारा कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 11। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन एक्स से चले गए कहाँ पे, बाई में, ठीक है। और साथ ही हमें एक चीज और पूछी है, अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर। हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसके पास मास होता है, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 1 kg, ठीक है जी। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स x में से y में जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो मास ट्रांसफर्ड From x to y is number of electrons into mass of one electron, which means that this is our n and this is m of e. So now we will find out mass transferred, which is equal to, what is the value for n, that is 2 into 10 to the power 11 into what is me, that is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. So now we will solve this. So we have, this is 18.22 into 10 to the power minus 20 kg. So we can also simplify. So the mass transferred is 1.822 into 10 to the power minus 19 kg. So
सो इस तरह बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें इस तरह की प्रॉब्लम दी है, एक जगह से दूसरी जगह में इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना चार्ज जाएगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द मास ट्रांसफर्ड इन दिस वे. क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर.